वेलकम बैक टू द चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। एक लेटेस्ट अपडेट जेके बोपी की तरफ से हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट उनसे मिस ना हो, ठीक है। तो एक लेटेस्ट अपडेट है जैसे कि काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे टेंथ बेस जो जिन बच्चों ने टेंथ बेस पे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था और वो चाहते थे कि सर क्या अपडेट है, क्या अपडेट है कि हम लोगों का जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है कब तक आएगा। पहले एक नोटिफिकेशन आया था बोपी की तरफ से जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो आपका काउंसलिंग है यहाँ पे कराया जाएगा। हम सभी बच्चों को ये मौका देना चाहते हैं ताकि कोई भी बच्चा मिस ना करे और अपना जो है ये ट्रेनिंग जो होगी टेंथ बेस पे मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल और मेल की वो अपॉर्चुनिटी कोई भी बच्चा खोए ना। तो इसीलिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्होंने सभी बच्चों के लिए कराई थी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, जिनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट है, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने एक PDF जारी किया था जिसमें आप देख सकते थे, ठीक है, कि कौन कौन से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे नहीं हैं, ठीक है। तो अभी जो है उन्होंने उसके बाद क्या किया है, उन्होंने उसके बाद अभी कोई भी नोटिस नहीं निकाला है। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है, क्यों वो नोटिस नहीं निकाल रहे, तो जी हाँ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्रोग्राम्स की उन्होंने काउंसलिंग कराई और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने निकाली है, ठीक है, जिनकी डिफिशेंसी थी, ठीक है, जिनकी डिफिशेंसी थी उनके लिए एक निकाला था। और अभी की बात मैं बताऊँ, 12th बेस्ड मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे आउट कर दी गई है। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 12th बेस्ड जिन बच्चों ने अप्लाई किया था GNM के लिए फिर या फिर और दूसरे जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए जिसने अप्लाई किया था उनकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आउट कर दी गई है। और जल्दी ही अब आप सभी के लिए जो 10th बेस्ड जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ आने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो 12th बेस है वो ऑलरेडी जो है मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है और फिलहाल के लिए जिन बच्चों का 10th पास है उनके लिए मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि वो कांस्टेबल का अगर फॉर्म लगाना चाहते हैं, कांस्टेबल का अगर वो फॉर्म लगाना चाहते हैं, जी हां पुलिस कांस्टेबल SSC यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अगर आपकी उम्र 18 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर ये नोट कीजिए 8082874110। सिर्फ 2-3 दिन है, बाद में इसकी साइट डाउन हो जाती है, 1-2 दिन लगते नहीं हैं। तो इरा मैम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपका फॉर्म जो है फिलअप कर लेंगी SSC की। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द जो है इसका फाइनल जो है लिस्ट आउट होने वाला है, काउंसलिंग आपकी होने वाली है और आपका जो है फाइनली काउंसलिंग के बाद उतना टाइम लगता ही नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को और आप हमारे साथ जुड़े सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं हूँ आपके साथ जडहान सर, आप देख रहे हैं जेके टॉपर्स अकेडमी।